वेलकम टू डी वर्ड। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सफेद दाग को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा घरेलू उपाय जिसका इस्तेमाल करते ही 7 से 15 दिन में छुटकारा मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपके लिए मेहनत करके वो नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं जो आपको 100% फायदा करें। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो से नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे परेशान लोगों तक श्रेष्ठ होकर हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का नुस्खा, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है पूरा हमने प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो नुस्खे। इमली के बीजों की मीगी और बापची दोनों को बराबर मात्रा में ले लें, इसको पीसकर लकड़ी से सफ़ेद दाग पर लगाएं। 15 दिन तक लगातार ऐसा करें, सफ़ेद दाग 7 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका अगर 7 दिन में भी ठीक हो जाता है तो आपको लगभग 15 दिन को आपको इसको लगाना है, 15 दिन तक आपको इसको लगाना है। आपको क्या करना है, इमली के बीज लेना है, उसके अंदर की जो मीगी होती है दोस्तों उसे निकाल लेना है। मीगी निकालने के बाद बापची आपको लेकर आनी है। ये आपको दोनों चीज़ें कहीं भी मिल सकती हैं, या आप इमली लाकर उसके जो है बीज निकाल लें, उसकी मीगी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मीगी निकालने के बाद आपको क्या करना है, बापची और उसे दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसे पीस लेना है दोस्तों। इतनी बारीक इसे पीस लें कि ये पीसकर एक पेस्ट बन जाए। दोस्तों आपको पीसना किसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप इसे गेहूँ के तेल में पीसें, गेहूँ का तेल, इमली और बापची दोनों तीनों चीज़ें आपको लेकर आनी है। किसी भी हकीम के स्टोर से आप इसे ले आएँ, वहाँ से लाने के बाद दोस्तों आपको चाहे किसी भी पंसारे की दुकान से आप इसे ला सकते हैं, हकीम के पास भी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको लाने के बाद ये पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों आपको यही पेस्ट शाम सोते समय लगाना है। और दोस्तों अगर आपके खुजली एलर्जी वगैरह होता है तो बीच में एक आध दिन गैप कर दिया करें, क्योंकि ये जो है कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा लगता भी है, कुछ के नहीं भी लगता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट पाना तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। हमने आगे दूसरा नुस्खा भी बताया है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप उसका उपयोग करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट इससे थोड़ा लेट आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो नुस्खा बहुत ही इफ़ेक्टिव है लेकिन उसका रिज़ल्ट थोड़ा इससे लेट होता है। कच्चे अंजीर का दूध लगातार 8 से 10 दिन लगाने से छोटा मोटा सफ़ेद दाग खत्म हो जाता है, और बड़ा हो तो 15 दिन लगाएं। दोस्तों इसका रिजल्ट आपका 1 महीना भी लग जाता है। अगर आपके ज़्यादा बड़ा दाग है तो आपको कंपलसरी दोस्तों ये 1 महीना भी लग जाएगा दोस्तों, अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको ये जो है आसानी से मिल जाता है, अंजीर का पेड़ गाँव में बहुत आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों अगर मिल जाता है तो आप इसका दूध 8 से 10 दिन अगर छोटा मोटा दाग है तो इसे लगाएं, और अगर बड़ा दाग है तो 15 दिन से 1 महीना तक आपको ये लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद जो है आपका सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नुस्खा है, और दोस्तों आपको ये याद रखना है इन दोनों नुस्खों में से कोई भी एक ही यूज़ करना है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपको किसी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साबुन में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे हमारी त्वचा पे पूरा असर होता है। आजकल जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो इन कारणों से ज़्यादा देखने को मिल रही है, लोग गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।